नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। अगर रायता बहुत ज्यादा फैल गया है आपकी जिंदगी में तो परेशान मत होइए, आपको बताते हैं कैसे समेटना है, यानी आगे आने वाले वक्त में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर जिसका आपको होता है इंतजार, किस्मत कनेक्शन। चलिए किस्मत कनेक्शन के सफर को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हमारा साथ देने के लिए ऋचा चुटानी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मशहूर टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरू करें सफर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी, यानी कि जिनके लिए आज सबसे खास दिन है, जिनका आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे भी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा दिन है और जो जिनका जन्मदिन है वो अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और कोई पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। और सन का कार्ड है तो बिल्कुल शाइन भी मारेंगे, पूरी दुनिया में रोशनी फैलाएंगे, बहुत ही अच्छा है, एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। चलिए, लेकिन चमक इतनी न हो जाए कि आसपास के लोगों को गॉगल्स पहनना पड़ जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत ब्राइट दिन है, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, पार्टी करिए, एंड पार्टी हार्डर क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है। खैर, हम नंबर्स की तरफ आगे बढ़े उससे पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं, मलकीत कौर। मलकीत जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सितंबर 2003। पूरा बताइए फिर से। 7 सितंबर 7 सितंबर 2003। ओके, ठीक है, सवाल पूछिए। सर, इनकी ना फाइल एम्बेसी में जमा हुई है जनवरी की। हाँ। अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा कब तक इनको वीजा मिल जाएगा। ओके, तो एम्बेसी में इनकी फाइल जमा है, लंबा टाइम हो गया है लेकिन वीजा का पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या कह रहे हैं कार्ड्स इनके लिए? थोड़ा मुश्किल है इस साल, थोड़ा मुश्किल है इनका बाहर जाना, तो लगे रहिए, प्रोसेस करते रहिए, हो जाएगा, पर इस साल थोड़ा मुश्किल है। इस साल थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है, एफर्ट्स करते रहिए, जो तैयारियां अपनी तरफ से पेपर वर्क जो है उसको पुख्ता करिए, वक्त आने के साथ ही वो चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, बलवीर कौर, बोलिए, स्वागत है आपका। बलवीर कौर जी, डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1982। 25/10/1982। बलजीत कौर है सर, बलवीर कौर नहीं, बलजीत। ओके, बलजीत कौर 82। ठीक है, सवाल पूछिए। सवाल ये, घर की लड़ाई बहुत रहती है हस्बैंड के नाल, हद तो वध, मतलब मैरिज टिकी रहूंगी या नहीं? एक बार फिर से सवाल दोहराएंगी। हां जी, सवाल एक बार फिर से दोहराएंगी। हस्बैंड के नाल मैरिज मेरी यही ठीक रहूंगी या साड़ी असी लंग हो जावांगे, क्योंकि लड़ाई बहुत, झगड़ा घर क्लेश बहुत रहता है। ओके, ठीक है, तो ये मैरिड लाइफ जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स है। हां जी, क्या कह रहे हैं कार्ड्स, कब तक दुरुस्त हो पाएंगी चीजें और इनके लिए क्या सजेशंस हैं कार्ड्स के? इस साल सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा रहती है अनबन रिलेशनशिप में, तो बना के रखिए, प्यार से रखिए, बिल्कुल सब हो जाएगा और आप में क्षमता है, आप बना के रख सकती हैं, तो बिल्कुल रखिए, थोड़ा टेंशन ना लीजिए, सब काम अच्छे होंगे। ये जो कार्ड्स में घोड़े पे तलवार लेकर, थोड़ा गुस्सा भी कम कीजिए। हाँ, तो मतलब झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है, रिश्तों को संभालने की जरूरत है, झांसी की रानी बन जाना हर बात पे वो सोल्यूशन नहीं होता है, तो थोड़ा अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। चलिए हम आगे बढ़े और नंबर्स की बात करेंगे। 1 नंबर वालों के लिए मैम दिन कैसा होने वाला है? बिल्कुल, 1 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं आपके? बहुत ही अच्छा है, उनका जादू छाने वाला है, वो कोई भी काम करेंगे उनको सक्सेस मिलेगी, बच्चों के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और रिलेशनशिप भी वो आज अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, घर और काम जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बैलेंस बना के चलेंगे, बहुत ही अच्छा, हर काम में उनको सक्सेस मिलेगी और इन्वेस्टमेंट गेन भी है, बहुत अच्छा दिन है। चलिए, इन्वेस्टमेंट गेन भी है और हर काम में सफलता मिलता नजर आ रहा है, तो इस अच्छे दिन का यूटिलाइजेशन आपको करना होगा, प्रायोरिटाइज करिए चीजों को और जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है उनको पहले कर लीजिए। पूनम हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे, पूनम जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ?
करने लगता है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम आगे बढ़ेंगे, दो नंबर वालों के लिए हम अगर हम बात करें तो उनके लिए आपके कार्ड क्या कह रहे हैं, कैसा है आने वाला दिन? एक तो जीत का दिन है, बिल्कुल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बट कहीं कहीं उनको थोड़ा सावधान रहना है। जैसे कोई कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है लाइफ का, या कोई टफ डिसीजन वो आज ना ले, बट वैसे जो उन्होंने पहले काम किया उनके रिवार्ड्स अच्छे मिलेंगे, मनी अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पर जो टफ डिसीजन है आज के लिए वो ना ले। चलिए, तो टफ डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, ऑल्दो आज दिन बहुत अच्छा है आपके लिए और आप आज आपकी जीत के जश्न में लोग शरीक हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ भी आपको लोगों से मिल रही है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट फैसले हो तो उनको टाल दीजिए। पूनम फोन लाइन पे, पूनम जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 15 मई 1975, ये मेरे हस्बैंड का है जी। ठीक है, 15 मई 1975, 75, ठीक है, सवाल पूछिए जी। मुझे उनके काम के बारे में पूछना है जी। पहले भी उनका जी ट्रांसपोर्ट का काम था, वो कुछ चलिया नहीं जी कई साल से। हाँ। अब उन्होंने जी होटल खोला है। चलिए, पहले तो पूछना जी कैसा काम चलेगा, नहीं चलेगा जी, बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, पहले ट्रांसपोर्ट का काम किया, अब होटल इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इस बिजनेस के लिए इनके नंबर्स क्या कहते हैं और इनके लिए कार्ड्स क्या इशारा कर रहे हैं, कैसा चलेगा इनका बिजनेस आने वाले टाइम में? एक तो जैसे कहते हैं ना, वो दूसरों की बात सुनते नहीं है, थोड़ा दूसरों की बात सुने काम के लिए। कहते हैं ना, किसी बड़े की हेल्प भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, बड़ों की हेल्प ले और दूसरों की बात सुने, और दूसरा वो कृष्ण भगवान की पूजा करें तो उनके काम बन जाएंगे। चले, तो कृष्ण भगवान की पूजा पूनम जी उनको कहिए कि करें, और उनको बोलिए कि आपकी बात भी सुने, अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं, और उनके प्रोफेशन के हिसाब से, उनके व्यापार या वो जो होटल का बिजनेस जैसा आप बता रहे हैं कर रहे हैं, तो उससे जुड़े कुछ लोग हों जो एक्सपीरियंस्ड लोग हों जिनको जिंदगी का एक्सपीरियंस, उनसे उनकी सलाह लें और उनको सुने, अगर लगता है कि पॉजिटिव सलाह है तो उस पर अमल भी करें। सतविंदर हमारे साथ फोन लाइन पे, सतविंदर जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सतविंदर जी सुन पा रहे हैं जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ बताइए। चलिए, लगता है आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, आप अगली बार जब फोन करें तो टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम कर दीजिए और फोन पर बात करिए। सुनीता हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे है, सुनीता जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। मेरी उम्र 40 वर्ष है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आपको जी? दिवाली पे 3 दिन पहले है जी, धनतेरस के दिन। कोई नहीं, आप एक काम करिए सुनीता जी, अपना सवाल पूछिए, हम कार्ड्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप सवाल पूछिए अपना जी। 1 महीने पहले जी मेरे बेटे की डेथ हो गई थी जी, मैं बहुत परेशान हूँ जी, आप ये बताइए मेरा यहाँ रहना या कहाँ कहीं और घर बदल लेना ठीक रहेगा, या यहीं पर हूँ मैं, बहुत दिक्कत में हूँ, आप ये बताइए आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मेरा एक बेटा, मेरा पति है, मेरा एक बेटा, 1 महीने पहले उसकी डेथ हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, आपका दर्द आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, जिंदगी में तकलीफ आती रहती है, अपने आप को थोड़ा मजबूत रखिए। इनका आने वाला वक्त कैसा होने वाला है? एक तो जिस तरह कह रही है कि ये जगह बदलना चाहती हैं तो बिल्कुल बदल लीजिए, बाकी ये दुख है कोई बात नहीं, इससे आप निकल जाएंगे। आप इनका दूसरा बेटा भी है, उससे सहारा लीजिए, बिल्कुल आपके काम अच्छे बनेंगे। और दुख को थोड़ा होता है, दुख होता है, पर ये कहते हैं ना कि थोड़ा अच्छा सोचे तो आगे के लिए अच्छा सोचे तो अच्छा होगा, दुखी ना हुए ज्यादा। और अगर ये कहीं और जाके रहना चाहती है, बिल्कुल जाके रहे, इनके साथ सब अच्छा होगा। टेंशन ना लीजिए, नेगेटिविटी ना लाइए अपनी जिंदगी में, सब अच्छा होगा आगे जाके। चलिए, तो जो वक्त गुजरा है वो बहुत तकलीफ वाला था, लेकिन अब वक्त है कि अब आप आगे देखें, और अगर घर बदलना चाहती हैं तो बेशक बदल लीजिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। सतविंदर हमारे साथ फोन लाइन पे है, सतविंदर जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से दोहराइए। 20 जुलाई 1996 सर। ठीक है, 20 जुलाई 1996। सवाल पूछिए सतविंदर जी, सवाल क्या है? हाँ सर, सवाल सतविंदर जी। चलिए, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे लगता है कि ये करियर के लिए ही कुछ जानना चाह रहे हो, तो हम ये मानकर ही उनके सवाल का जवाब दे देते हैं, क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। इनका आने वाले वक्त में करियर कैसा होगा
कह रहे इनका इस साल कहते हैं ना कि चेंज का है, कुछ भी नया हो सकता है, अगर ये नया बिजनेस करना चाहते हैं, नई जॉब भी लग सकती है, और बाकी देखते हैं इनका फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर में थोड़ा मतलब कहते हैं दिल से सोचते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा दिमाग से सोचिए तो काम अच्छे चलेंगे इनके। चलिए, दिमाग से सोचना है और दिल की थोड़ी कम सुननी है आपको, क्योंकि आपके कार्ड्स आपको ये सजेशन दे रहे हैं। हालांकि ये साल जो है वो एक बदलाव का साल नजर आ रहा है। हम नंबर्स की तरफ बढ़े, 3 नंबर वालों के बिल्कुल लिए दिन कैसा होने वाला है ये जान लेते हैं आज। कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके? 3 नंबर वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उनको यूज कीजिए, और अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आगे जाके वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, और बच्चों के लिए एग्जाम्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और अगर कुछ नया करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बहुत सक्सेसफुल होगा वो। तो आज अच्छा दिन है, यानी कि कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप चाहे तो, और करियर वाइज भी अच्छा दिन है। अगर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि वहां से मिल सकती है तो वहां ट्राई जरूर करिएगा, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए अप्लाई उसको। करिए वहां। चलिए हम नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। 4 नंबर वालों के लिए दिन कैसा है आज? देखते हैं 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा दिन कहते हैं ना उदास भी है खुशी भी है, एक तरफ दुख है तो एक तरफ किसी बात का गम रहेगा तो एक तरफ आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, और एक साथ अपने ऊपर ना बहुत ज्यादा बर्डन मत लीजिए, थोड़ा कोऑर्डिनेट करके आराम से काम कीजिए। कई बार क्या होता है हम जल्दी जल्दी भागते हैं काम करने के लिए, पीछे भागते हैं, तो इस तरह नहीं, एक एक करके आराम से काम कीजिए तो आपके काम बनेंगे। चलिए, एक एक करके आराम से काम करिए तो आपके काम बनेंगे, और बहुत ज्यादा बर्डन आपको लेना नहीं है। कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति है आपके लिए आज। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त बलकरण सिंह जी फोन लाइन पे हैं। बलकरण जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, मीनो खासी फिर से बताइए। 1988। 1988, ठीक है, सवाल पूछिए। हाँ हाँ जी सर, बस तंगी जी बहुत चल रही है, ये पैसे टके भी। ठीक है, तंगी चल रही है। आप जॉब करते हैं? हाँ जी खेती बाड़ी कर दे जी। खेती बाड़ी करते हैं, तो किसानों के लिए वैसे भी बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त। बट इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकल कंडीशन इनकी बुरी रहे, हाँ इनकी अच्छी है, और बिल्कुल ये थोड़ा बस ये है कि कहते हैं ना जिंदगी के दोनों पहलू देख के चले, कोई भी काम करे, किसी और की कहते हैं एक ही बंदे की ना सुने, जिंदगी के दोनों पहलू देखे, कभी क्या होता है हमारे साथ नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, तो सबको सोच समझ के काम करे तो इनके काम बहुत अच्छे चलेंगे आगे जाके, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे चलेंगे। और अगर कोई नया जैसे कहते हैं खेती बाड़ी में अनाज का ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर ले तो वो अच्छा चलेगा इनके लिए। चलिए, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, आपके लिए ऐसा कोई वक्त नहीं है कि आपको इकोनॉमिकल सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो। और अगर कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं खेती बाड़ी से जुड़ा तो वो भी कर सकते हैं। हम नंबर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर हमने डिस्कस कर लिया था, हाँ जी 4 नंबर वालों के लिए कैसा होगा आज चार का? भी हो गए भाई, 4 भी हो गया, चलिए 5 की बात कर लेते हैं, मुझे इंतजार होता है 5 का। बिल्कुल 5 वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, कोई गुड न्यूज आ सकती है फ्रेंड से, रिलेटिव से, या अपने घर से, और जो पेंडिंग काम है वो हो सकता है, बस थोड़ा सा गुस्से पे काबू रखे। मतलब गुस्से पे काबू रखना है। और ये जो बिल्कुल कार्ड है मैं देख पा रहा हूँ कि ये घूमने उमने का इशारा है शायद। नहीं, ये बच्चों के साथ घूमने का अच्छा, इशारा बच्चों के साथ घूमने का इशारा है। चलिए, है। बिल्कुल, आपके आसपास अगर बच्चे हो तो उनको जरूर पकड़िए और हो सके तो उनको टॉफी खिलाइए। और बिल्कुल, और अगर कोई नई कंपटीशन की तरफ आपको कहा जा रहा है ना कि बिल्कुल हिस्सा लीजिए, आपके सारे काम बनेंगे। चलिए, तो चैलेंजेस भी आपके सामने जो आ रहे हैं, कंपटीशन जो आपके सामने आ रहा है, उन कंपटीशंस को फेस करिए आज। सीना तान के जीत आपकी ही है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपके सवालों का जवाब और आपकी समस्याओं का समाधान। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास होगा, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास होगा, अ बीटिंग फोर्स इन स्टाइल। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प रेडे फर्स्ट विश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान।
MDK इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हरियाणा की टीम आज गुड़गांव में है। गुड़गांव के पालम बिहार के बछवेड़ा गांव में आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे खिलाड़ी से जो कि मुफलिसी के दौर से निकली है लेकिन कई सारे खिताब उसने अपने नाम किए हैं। उसका नाम है नताशा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास। रीवा, अ बीटिंग फोर्स इन स्टाइल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। हम बात कर रहे हैं कि आपकी किस्मत आपको क्या इशारे दे रही है, आपको उसको समझना होगा और सफर को आगे बढ़ाते हैं। रिचा चुटानी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमने 5 नंबर तक डील कर लिया है और अब बात करेंगे 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए रिचा जी कैसा दिन होगा आज? रिकॉर्ड तो अच्छा आया लेकिन हार्ड वर्क की बहुत जरूरत है और कई बार हम सोचते हैं कि ये काम हो गया मस्ती लो, तो ऐसा नहीं है, पीछे कोई और तकलीफ आपके लिए खड़ी है। कंपटीशन भी खड़ा है या कोई प्रॉब्लम से हम सिचुएशन से निकल चुके हैं, डिफिकल्टी से, पर कोई और नई डिफिकल्टी आपके सामने खड़ी है। बट जीत भी है, जो पहले के काम है उनमें आपको जीत भी मिलेगी, जैसे बच्चों को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हेल्थ के लिए अच्छा है लेकिन आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। एक तरफ तो जीत है, दूसरी तरफ उस जीत के साथ नई जिम्मेदारियां और नए चैलेंजेस आपके सामने खड़े होंगे, तो उनको भी फेस करने की हिम्मत रखिए और तैयार रहिए कि कोई भी चैलेंज आए लाइफ में उसको आप झेल सकते हैं, उसके लिए आप तैयार हैं। 7 नंबर वालों की हम बात करेंगे, तो 7 नंबर वालों के लिए दिन कैसा है ये जान लेते हैं। सात नंबर वालों के लिए एक तो बहुत संभल के चलने का दिन है। जो भी प्रॉब्लम है उसका कहते हैं ना सिचुएशन का सीरियसली ध्यान दीजिए, फोकस करके उसका सोल्यूशन निकालिए। अगर आज आपने उस चीज़ का डिसीजन नहीं लिया तो कल आपके लिए वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। और कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी भी मत करें किसी काम को लेकर, जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, ध्यान दे के करें तो बिल्कुल काम बनेंगे। बट आज के लिए है कि भाई अपना बहुत सीरियस होकर अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालें वरना वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। चलिए तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है आपको। प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पे है। प्रिया जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ? 21 अप्रैल 1978। ठीक है, 21 अप्रैल 1978। ठीक है, सवाल पूछिए जी। मेरे पेरेंट्स से मतलब कई महीने हो गए जी, दिक्कत सी चल रही है ना, तो वो फोन करते हैं जी ना बात करते हैं, निकलती उनकी है, तो जी सब कुछ ठीक कब तक होगा जी, होगा या नहीं? चलिए तो पेरेंट्स के साथ इनकी नहीं बन रही है और पेरेंट्स नाराज है, तो एक टिप तो मैं भी दे सकता हूँ आपको कि जाइए उनके पास और जाके उनसे बात करिए। पेरेंट्स कभी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा नाराज नहीं रह सकते। खुद की है। हाँ, गलती उनकी है। कोई नहीं, गलती किसी की भी हो पेरेंट्स है, तो आपने जब बचपन में गलतियां की थी तो उन्होंने बहुत बार माफ किया है आपको,
तो एक बार आप भी जा सकते हैं। खैर वैसे कार्ड्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, कार्ड्स भी यही कहते हैं कि आपको जाना चाहिए और अपने, कहते हैं ना, प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकालना चाहिए कि वो किस बात के लिए आपसे नाराज है। आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए किस बात के लिए आप मुझसे नाराज है, उनसे डिस्कस कीजिए, तो प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा। और इस साल यही आपका साल है कि आपको बड़ों का आशीर्वाद, जैसे कहते हैं कुछ नया सीखना है तो बड़ों से रहन सहन भी सीखना पड़ेगा आपको। चलिए, तो ये वक्त है आपका कि आपको ये भूल के कि किसकी गलती है, आपको जाना है। कई बार दूसरों की गलती पे भी खुद सॉरी बोलना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और कॉलर की। प्रदीप सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। प्रदीप जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। 1990। फिर से बताइए। 28/11/1990। 27/11। 28/11/1990। ठीक है, सवाल पूछिए सर। सवाल एक बार फिर से पूछिए। आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही, एक बार और अपना सवाल क्लियर पूछेंगे। शायद वो किसी पेपर के बारे में पूछ रहे हैं। सवाल समझ ठीक है, कोई एग्जाम या कंपटीशन के हिसाब से या कोई पेपर, ये कह रहे हैं क्लियर हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल, इस साल इनका अच्छा है, हो जाएगा। बाकी इनके नंबर्स ये बताते हैं कि ये कई बार अकेला महसूस करते हैं, तो अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। और बिल्कुल जो भी एग्जाम है वो उसमें क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। और थोड़ा अपने आप को अकेला कम महसूस कीजिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में थोड़े बहुत कष्ट भी हैं, तो वो अगर ये पॉजिटिव सोचेंगे तो इनकी लाइफ अच्छी चलेगी। चलिए, तो पॉजिटिव सोचना है और ये सोचना ही नहीं है कि पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, ये सोचना है कि होना ही है। खैर हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, वक्त जो है इशारा दे रहा है, हम नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि नंबर 8 अगर आपका है तो आपके लिए आज दिन कैसा होने वाला है। बिल्कुल देखते हैं। 8 नंबर वालों के लिए, एक तो आज बिल्कुल गुस्सा ना कीजिए, थोड़ा अपने आप को शांत रखिए, वरना क्या होता है ना कि लड़ाइयां बढ़ जाती है। तो आप कहते हैं ना, एक तरफा इंसान अगर शांत हो जाए तो दूसरा इंसान भी शांत हो जाता है। तो बिल्कुल शांत हो जाइए और बाकी आपके जो भी काम है वो बन जाएंगे। तो आराम से अपने काम पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल सावधानी से कीजिए, तो सारे काम बन जाएंगे। चलिए, तो आपको ध्यान देना है अपने काम पे और सावधानी से करेंगे तो आपका काम भी बेहतर होगा। हम फटाफट 9 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर वालों के लिए अगर हम बात करें तो आपके कार्ड्स क्या इशारे दे रहे हैं? 9 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होने वाला है आज? बिल्कुल, 9 नंबर वालों के लिए काफी दिन अच्छा है। एक तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज चल के आ रही है, तो बिल्कुल उसका यूज कीजिए, उनको अप्लाई कीजिए। और पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा दिन है, और जो इनके पहले पेंडिंग काम थे वो हो जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। फाइनेंशियल गेन भी लिखा है आज। चलिए, तो फाइनेंशियल गेन्स भी है, आपने जो पहले काम किया है उसका रिजल्ट भी मिल रहा है और पेंडिंग काम पूरे होते नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स जो है वो लगातार लगाते रहिए, क्योंकि एफर्ट्स का रिजल्ट पॉजिटिव होता ही है, रिजल्ट्स मिलने का टाइम आ गया है। ऋचा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही किस्मत कनेक्शन में, लेकिन कल फिर से आएंगे किस्मत का कनेक्शन आपके साथ जोड़ने के लिए। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्ती करिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।